हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा धातुएं और उनके यौगिक, और इसका पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम इस पर 3 पार्ट बना चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हरा कसीस यानी कि ग्रीन विट्रोल का रासायनिक सूत्र है। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे। 3 सेकंड में आप उसका आंसर सोच सकते हैं या फिर उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर दीजिए। दोस्तों, हरा कसीस यानी कि इसे हम हरा थोथा भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फेरस सल्फेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe SO4। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके रासायनिक नाम को भी ध्यान रखें, क्या होता है? फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अयस्क को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? दोस्तों, इसमें पूछा गया नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम अयस्क को जंग से बचाना चाह रहे हैं तो हम अयस्क पर किसी चीज़ का लेप लगा देंगे, यानी कि उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, या जस्ते की परत लगा देंगे जिसे हम गैल्वेनाइजेशन या यशदीकरण कहते हैं, या उस पर पेंट कर देंगे जिससे कि अयस्क को जंग से बचाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम एनीलन की प्रक्रिया करते हैं तो उससे जंग से नहीं बचाया जा सकता। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहर लबण यानी कि मोहर साल्ट का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, मोहर लबण का रासायनिक सूत्र कौन सा है? Fe SO4, NH4 का होल टू, SO4, 24 H2O। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसका रासायनिक नाम भी याद रखें, इसका रासायनिक नाम फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपसे फिटकरी का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आप ऊपर वाला बता सकते हैं, K2SO4, Al2ASO4 का होल ट्यूब और 24 H2O। तो ये किसका रासायनिक सूत्र है? फिटकरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग से रक्त बहना रुक जाएगा? दोस्तों, अगर हम कटे हुए भाग पर फेरिक क्लोराइड लगा देते हैं तो वहां से रक्त जो बहता है वो रुक जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरा थोथा यानी कि हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन अभी इस पे रिलेटेड था, मैं करा चुका हूँ, आप बता सकते हैं। तो हरा थोथा यानी कि हरा कसीस, इसका रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। और इसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, Fe SO4 7 H2O। तो आप इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त लप्त लौह पर जल वाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। दोस्तों, रक्त लप्त लौह पर जल वाष्प प्रभावित करने पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, तो आप इसका ध्यान रखें। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, तांबे को हम इंग्लिश में कॉपर कहते हैं और इसका प्रतीक Cu होता है। फ्रेंड्स, इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो आप उसका ध्यान रखें, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं?
दोस्तों, तांबा और सोना सिल्वर रंग की नहीं होती हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तांबे को हम कॉपर कहते हैं और सोने का प्रतीक हमारा क्या होता है, AU, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79। तो आप इसका भी ध्यान रखें, और इसका मैं आपको बता चुका हूँ, 29 कॉपर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपरी हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु है। हम तांबे को वायु में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं जिससे उस पर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन धातु पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर, इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान रहती है? दोस्तों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीतल की, जिसे हम इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं। ये किस किस से मिलकर बनता है? यह बनता है हमारा कॉपर और जिंक से। नेक्स्ट है हमारा कांस, जिसे हम इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो ये किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टीन से, जिसका प्रतीक SN होता है। नेक्स्ट है हमारा जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना होता है? कॉपर, निकिल और जिंक से। तो इसमें ये पूछा गया है कौन सा हमारा तत्व दोस्तों, इसमें हमसे ये पूछा गया है कौन सा तत्व तीनों में ही विद्यमान रहता है, तो कौन सा तत्व रहता है? कॉपर, यानी कि तांबा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलोरी मीटर बनाया जाता है दोस्तों, कैलोरी मीटर किससे बनाया जाता है? तांबे से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरित चालक निर्मित होते हैं दोस्तों, त्वरित चालक यानी कि जिनकी हाई कंडक्टिविटी होती है, वो किससे निर्मित होते हैं? कॉपर से, यानी कि तांबे से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांसा मिश्रित धातु एलॉय है, अभी दोस्तों मैं आपको बता भी चुका हूँ। फ्रेंड्स, कांसा जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज, तो ये किससे मिलकर बना होता है? ये दोस्तों कॉपर और टीन यानी कि SN से मिलकर बना होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तांबा एवं टिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक होता है दोस्तों? अगर विद्युत का सबसे अच्छे चालक की बात करें तो कौन सा होता है? चांदी यानी कि AG। दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमें दिया नहीं गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर, उसके बाद कॉपर का नंबर आता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, कॉपर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है दोस्तों? सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा यानी कि कॉपर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? अगर हमारे शरीर में तांबे की वृद्धि हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर विल्सन नामक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, नीला थोथा यानी कि ब्लू ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? कॉपर सल्फेट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट 5H2O। और दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप उसका भी ध्यान रखें, कॉपर सल्फेट। फ्रेंड्स, इसका एक नाम और होता है तूतिया, तो आप इसका भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तूतिया का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ, तो तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 5H2O। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट को ही हम क्या कहते हैं, तूतिया या नीला तूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांबे का शत्रु तत्व है फ्रेंड्स, कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा होता है, गंधक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीला कशिश का रासायनिक नाम है। दोस्तों मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ, नीला कशिश को हम क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम कौन सा होगा, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसके रासायनिक फॉर्मूले का ध्यान रखें, CuSO4 5H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीला तोता है। दोस्तों ये क्वेश्चन वही है, नीला तोता क्या है, कॉपर सल्फेट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट यानी कि नीला तोता का, या फिर इसे हम तूतिया भी कहते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता धातु को मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है। दोस्तों जस्ता धातु को मुख्यतः किससे निकाला जाता है, जिंक ब्लेड से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जस्ते को हम जिंक ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, जस्ते यानी कि जिंक के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में धातुओं पर किसकी परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। दोस्तों अगर हम धातुओं पर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्यों चढ़ाई जाती है, ये जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। दोस्तों जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग, जिसे हम हिंदी में यशदीकरण भी कहते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। दोस्तों धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, जस्ते की यानी जिंक की। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक धातु है। दोस्तों निम्न में से कौन सा एक धातु है, जिंक यानी कि जस्ता। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलोसफर बुल क्या है। दोस्तों फिलोसफर बुल जिसे हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखें। दोस्तों एक ऑप्शन और ध्यान रखें, जिंक सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इसे हम बोलते हैं ब्लैक जिंक। तो आप इसका नाम ध्यान रखें, ब्लैक जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफेद कशिश यानी कि वाइट विट्रियोल है। दोस्तों
दोस्तों वाइट विट्रोल क्या होता है? जिंक सल्फेट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट 5H2O को हम क्या कहते हैं? नीला तोता यानी कि तूतिया। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और है हमारा Fe SO4 7H2O, जिसे हम फेरस सल्फेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हरा काशीस। तो आप इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा MgSO4, जिसे हम दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा MgSO4 7H2O, जिसे हम इप्सम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? इप्सम लवण। तो आप इसका भी नाम ध्यान रखें, ये भी हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए हैं, नीला तोता, सफ़ेद तोता और हरा तोता, और नेक्स्ट हमारा इप्सम लवण। तो आप इन सबका ध्यान रखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।